तुम खा नहीं रहे? अभी नहीं, मैं 9 बजे के बाद खाता हूँ, मुहूर्त देख के। ओ भाई कुछ खा ले। मारी भूख मरी गई। डाइटिंग पे हूँ। वाह कितना खूबसूरत पल है, चांदनी रात, समंदर के बीच एक नाव। मैं तो पेंटिंग को देखकर उसी में खो गई हूँ। रियल में ये एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा। मैं तो लुट गया। लग रहा है इस बेरंग पेंटिंग के पीछे कुछ रंगीन राज छिपा। तमें जानू छू कि रूम का रेंट क्या है? यस 10,000। 10,000 में गटर के बाजू में भी नहीं मिलेगा। 40,000। हाँ मुंबई छे, यूरोप भी मुंबई के आगे पानी भरता है, यू नो? तभी वहाँ का पानी महंगा है। तमें जो खाना ठूसू जाने, उतना खाना मैं पूरे 1 साल खाता हूँ, याद रखना। तुम लोग 1 हफ्ता रुकोगे ना तो मुझे 20 साल तक कंकड़ खाने पड़ेंगे तुम्हारा कारण। यार तो जाके उसको सीधा बोल देना। नहीं कही सकते। क्यों? ये वो बिल्ली है जिसके गले में घंटी नहीं बांध सकता। घंटी? एहसानों का बोझा। ओ वो नहीं होती तो मैं तबेले में गोबर साफ करता। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो बोलेगी बिकॉज ऑफ मी तुम ठूस रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम सो रहे हो, बिकॉज ऑफ मी तुम गोबर भी कर रहे हो, और अब तुम मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। यार फिर तू उसे बहन क्यों बोलता है? अगर मैं उसको मोटी बहन ना बोलू ना तो वो सोचेगी मैं भी उस पर ट्राई मार रहा हूँ। बेसिकली वो ऐसी मुर्गी है ना जिसको मुर्गा पसंद ही नहीं है। अरे वो इतनी अकड़ू है ना, एक दिन उसकी माँ ने कॉल किया और एक बेसिक सवाल किया, डिकरी खाना खाया? तो जानते हो क्या किया? भड़क गई। तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तो उसने कहा ओए वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ यही तेरे सामने भी सेम ड्रामा किया। वो लड़की नहीं चुड़ैल है, परी के भेष में वो उड़ती हुई राक्षसी है, ऊपर से नीचे तक नेगेटिव। मेरे मना करने के बाद भी वो विजय को लेकर मुंबई गई। हाँ जानता हूँ, आपने क्या सोचा है? अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट पसंद आ भी गया तो फाइनली प्रोजेक्ट ओके करने के लिए मेरा अप्रूवल तो उसे लेना ही होगा। पर मैं दूंगा नहीं। आपसे पंगा लेके कौन बच सकता है सर? मगरमच्छ से बैर लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। मोटी बहन तुम अपने आप को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करती। अब मेरा मतलब आखिर इस आदमी को इतना भाव क्यों दे रही हो? आदमी पर भरोसा नहीं है, इसके आइडिया पर है, क्योंकि मैं उससे पर्सनली कनेक्टेड हूँ। तुम्हारा वाईफाई है, तुम्हारा कनेक्शन। ये मनहूस बकरे की तरह मुंडी क्यों लटकाई है? फिर से कुछ हुआ क्या? यार मेरा ब्रेकअप ऐसे ही मेट्रो में हुआ था। यार और मेरी न्यू लव स्टोरी मेट्रो में स्टार्ट हो रही है। तेरी होने वाली भाभी मुझे घूर रही है। ए देवदास झटके से मुड़ेगा तो तितली उड़ जाएगी। आराम से मुड़, स्लोली स्लोली स्लोली। तुझे देखकर उसके चेहरे के 12 क्यों बच गए? क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड था। बसने से पहले ही मेरा घर उजड़ गया। क्या मैं जाके उससे बात करूं? नहीं 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 ब्रेकअप कर ले, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग। ए लड़की क्या मिल गई, दोस्त को भूल ही गया। ए भाई भूत से बात कर रहा क्या? ए बड़ा पाव चल निकल यहां से। कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी लाइफ से जा चुकी हूं ना, फिर क्यों बात करने आए हो? मैं यहां इसकी टीवी ठीक करने आया हूं, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। टीवी? प्रोजेक्ट की बात पे तो यकीन होगा नहीं। ए दरवाजे 10 सेकंड के लिए खुलते हैं, चला जा। क्या हुआ?
इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? ए आशिक की औलाद, मैं भी तो अकेला ही जा रहा हूँ ना। ए, 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 अरे, ए, ए। ये हैदराबाद वाले लौंडे ना कभी बदलेंगे ही नहीं। चाहे जाओ, दीदी मुझे लेने आती ही होंगी। लहरी, इतने दिनों बाद हमारा यह मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। जरूर यह कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में जरा सोचो। क्या बात कर रहा है? इसी लड़की ने तेरी बैंड बजाई थी? ए, सच सच बता, तू मुंबई में प्रोजेक्ट के लिए आया कि लड़की के लिए? आया तो प्रोजेक्ट के लिए हूँ, पर लड़की भी मिल जाए तो मजा आएगा। यार तू ना मुझे वापस रास्ता काट दिया। कैसा है? ये प्रोजेक्ट पानी कम चाहे मोटी बहन, टाइम वेस्ट है। तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानो, कभी तो ढंग से काम किया करो। मेरा एक हफ्ते का कोटा एक झटके में खत्म। लगता है मेरा शनि भारी 7:30 चालू हो गई। 100 रुपए की टिकट निकाल के क्या पिक्चर देखना, 10 में एंजॉय कर सकते हैं। तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है, बोने का टाइम खराब कर दिया। हाँ पापा जी, 4 दिन में आ जाऊंगा। बस तू एक बार आ जा, फिर एक साथ खाना खाएंगे। इन्होंने एक डिवाइस तैयार की है जिसका टेस्ट करना है। बताओ, उससे सीधा एम्बुलेंस को मैसेज आएगा। रिस्पांस कैसा है मैन? फिलहाल पॉजिटिव है, बाकी सब डेमो पर है। एक बार हो जाए तो वापस आ जाऊंगा। ए, क्या जंगली जैसी दाढ़ी बढ़ाई है, कल तेरा प्रेजेंटेशन है ना? ओए नारे, मेरी वाली को दाढ़ी पसंद है। पर तेरी टाइटेनिक तो डूब गई थी। ओ यार, सिचुएशन इज लाइक। हिंदी में बोलना भाई, गोल्ड माइंस की मूवी है, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी पूंछ छोड़ गए। जल्दबाजी में मैंने फैसला करके दरवाजा ही बंद कर दिया। हाँ। जबकि उसके आने की उम्मीद में मुझे खुला रखना चाहिए था। हाँ। अब यार उसकी यादों का झोंका दिल के दरवाजे पर आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, खटाखट 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 धक्का मारते रहता है। अब बस करो, लड़कों का प्यार धोखा है, एक नाटक। लड़कों को जज करने के लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ भाई साहब, आजा आजा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये सब क्या है? एक सरप्राइज है। इससे तो कुछ नहीं होने वाला। बस एक सेकंड, शुरू करें। ये क्या है? पेंटिंग के नजारे को तुम फील करना चाहती थी ना, तो एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा है ना? चलो, मजा नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा वापस चलो। आगे जाने पर और सुंदर नजारा दिखेगा। लेट्स गो बैक।
पेंटिंग की खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, जब उसका तजुर्बा किया तो उससे डर गई है ना? ज्यादातर यही होता है, किसी के नजदीक जाए बिना दूर से ही देखकर किसी को जज करना कि वो इंसान गलत है सही नहीं होता। तुम्हें लड़कों का प्यार नाटक लगता ना? प्यार हमारे लिए चक्रव्यूह की तरह है और लड़के अभिमन्यु की तरह है। उनके लिए प्यार में पड़ना आसान होता है और एक बार प्यार हो गया तो वो उसमें से कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। इसीलिए चाहे वो साथ हो या ना हो, जब भी उसकी याद आती है तो मैं अपने दिल की बात बोल देता हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अगर गौर से देखोगी तो मेरे प्यार में भी सच्चाई दिखेगी। मुस्कुराती भी हो लेरी, कैसी हो? अचानक इतनी बदल कैसे गई? मुझे भी कोई मिल गया है। हाँ, प्यार हुआ है? नाना, वैसा कुछ नहीं हुआ है, अच्छा लड़का है। वैसे भी मुझसे जो प्यार करेगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक टिकेगा, उसके बाद भाग जाएगा। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। याद है बिना तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिले मैंने उसे रॉन्ग चॉइस कह दिया था? शायद मैं गलत थी। अब उसकी बात करने से क्या फायदा? ऐसा नहीं है, शायद मुझसे ज्यादा तुम उसे अच्छी तरह समझती होगी। अगर मेरी वजह से तुमने वो फैसला लिया था तो उसके बारे में मैं चाहती हूँ तुम एक बार फिर से सोचो। हेलो जी, अब भी मुंबई में ही हूँ? हाँ। तुमसे एक बार मिल सकती हूँ? जरूर। लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, बाय। ए, तू इधर खड़े खड़े सपने देख, मैं अंदर जाके तेरा इंटरव्यू पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं नहीं, चल चल।